हे गाइज एंड वेलकम दी बैक अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। एंड आज की इस वीडियो के अंदर गाइज हम लोग यहाँ पर अपने टाउनर को करने वाले हैं अपग्रेड, और टाउनर को कैसे यहाँ पर हम लोग अपग्रेड करेंगे और डायरेक्टली कैसे हम लोग करने वाले हैं टाउनर 15। एंड उसके बाद कैसे हमें मिलने वाला है दो न्यू डिफेंस जिसे भी हम लोग परचेज जरूर से करेंगे। लेकिन उससे पहले कैसे हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर अपना बेसलेट चेंज कर लेते हैं और ये वाला बेसलेट हम लोग सेट कर लेते हैं। तो अभी कैसे हम लोगों ने ये बेसलेट जो वो सेट कर दिया है, अभी कैसे हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं अपने टाउनर को अपग्रेड, जो कि कैसे हम लोग करने वाले हैं हैमर के मदद से। एंड मैंने कल परसों ही कैसे अपने टनल को मतलब बुक्स का यूज करके फुली 5 स्टार कर दिया था, वरना गाइस अभी हम लोग टनल को अपग्रेड नहीं कर पाते हैमर का यूज करके। एंड देखो CWL जैसे ही एंड होगा हमको उसके बाद यहां पर मेडल्स मिल जाएंगे, एंड उसके बाद हम लोग और भी हैमर्स परचेस करेंगे एंड और भी सभी के सभी बिल्डिंग्स को इंस्टेंट फिनिश करने वाले हैं। बट गाइस अभी हमारे पास हमारे पास मेडल्स जो वो बिल्कुल से भी नहीं है, और मैंने पहले ही गाइस यहां पर एक हैमर और बिल्डिंग जो वो परचेस कर रखा था। और अभी गाइस आप लोग देखो यहां पर दो न्यू डिफेंस आ चुके हैं, जो कि गाइस हमारा मोनोलिथ एंड स्पिल टावर, जिसका प्राइस है गाइस यहां पर 3 लाख डार्क एलेक्जर। ये क्या, ये एक पहला डिफेंस है गाइस हमारे गेम के अंदर जो कि यार यहाँ पे डार्क एलेक्जर से परचेस होने वाला है, एंड इसका प्राइस है 3 लाख डार्क एलेक्जर, और 14 मिलियन में वो जो स्पील वाला है वो भी यहाँ पर डिफेंस परचेस हो जाएगा। अभी गाइस हम लोग यहाँ पर अपग्रेड करेंगे, बट उससे पहले देखो ट्रेजरी में काफी सारा गोल्ड है जिसे गाइस हम लोग यहाँ पर इंस्टेंट कलेक्ट कर लेते हैं। तो चलो गाइस हम लोग ने यहाँ पर कलेक्ट कर लिया, एंड अब हम लोग इसमें करेंगे हैमर का यूज और टाउनल 15 कर देंगे। और क्लैन में यार काफी सारे बंदे ऑनलाइन है, वो सभी गाइस टाउनल 15 अपग्रेड करने में लगे हैं अपने हैमर का यूज करके। अभी गाइस यहाँ पर हम लोग वाले टनल को अपग्रेड हैमर की मदद से, जो कि गाइस 15 दिन के बाद होगा अगर हम लोग हैमर का यूज ना करें तो। बल्द गाइस हमारे पास है पहले से हैमर, तो हम लोग गाइस यहां पर इंस्टेंट फिनिश करने वाले हैं टनल को 15 दिन के पहले। तो यहां पे 3, 2 एंड 1 एंड बूम गाइस यहां पर हम लोगों ने कर लिया है टनल 15। आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने टनल 15 अपग्रेड कर दिया है, और यहां पे गाइस हमें एक फ्री में सीनरी भी मिल चुका है, जो कि गाइस हमारा मैजिक सीनरी अनलॉक यहां पर फ्री हो चुका है। एंड ये भी गाइस शॉप के अंदर भी आया है, जिसे गाइस आप लोग परचेस भी कर सकते हो अगर आप लोग टनल 15 पर नहीं हो तो भी इस सीनरी को परचेस आप लोग कर सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप परचेस ना करो, क्योंकि टाउन 15 पे ये सीनरी आपको फ्री में मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो गाइस ओवरऑल इस सीनरी का लुक काफी ज्यादा कमाल का यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये सीनरी। और अभी देखो गाइस यहाँ पर हमें शॉप के अंदर भी ये सीनरी देखने को मिल रहा है 600 रुपीज में। तो मैं रिकमेंड करूंगा परचेस बिल्कुल से मत करना, टाउन 15 के ऊपर ये सीनरी आपको फ्री में मिल जाएगा। एंड अभी गाइस आप लोग इस सीनरी को देखो, काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है। यहाँ पर गाइस जितने भी हमारा वाल्टर था, जितना भी सी है, वो सभी गाइस यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। एंड यार अभी हम लोगों ने टाउनल को तो अपग्रेड कर दिया है, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग करेंगे और चीज़ों को अपग्रेड। लेकिन उससे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर टाउनल को देख लो। अभी हम गाइस इसे क्या करेंगे, यहाँ से प्लेस करेंगे, मतलब उसे यहाँ से उठाएंगे और बिल्कुल से साइड में इसे प्लेस करेंगे। चलो गाइस यहाँ पर हम लोगों ने इसे प्लेस किया, अभी आप लोग देखो यहाँ पर टाउनल 15 का फुल इमेज, मतलब फुल अच्छी तरीके से आप लोग देखो किस तरीके से यह देखने को मिलता है। एंड ये अभी तक बूस्ट है, मतलब 5 दिनों के लिए यहाँ पर बूस्ट हमें मिल जाएगा टाउनल 15 के ऊपर। अभी गाइस हम लोगों ने यहाँ पर टाउनल 15 तो कर दिया, और यहाँ पर गाइस हमें एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो सीनरी है गाइस, ये एक गेम का पहला सीनरी है जो कि गाइस हमें फ्री में मिला है, और इसमें हमें कस्टम ग्रास देखने को मिला है। अभी तक यार कोई भी ऐसा फ्री सीनरी हमें नहीं मिला जिसमें गाइस हमें कस्टम ग्रास देखने को मिले। इस वाले सीनरी में देखो ये फ्री मिला था, बट इसमें हमें कस्टम ग्रास नहीं मिला है। लेकिन ये जो सीनरी है इसमें गाइस हमें कस्टम ग्रास देखने को मिल रहा है, वो भी बिल्कुल से फ्री में। अभी गाइस आप लोग यहाँ पर देखो हमारे टनल के अंदर यार काफी सारे मैजिक आइटम स्टोर हैं। अभी आप लोग देखो हमारे पास एक यहाँ पर बुक ऑफ फाइटिंग भी है, बट गाइस हम लोग बुक ऑफ फाइटिंग का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यार अभी हमारे पास एक बिल्डर है जिससे गाइस हम लोग परचेस करने वाले हैं अपना न्यू डिफेंस, जो कि गाइस स्पिल टावर है, उसे भी गाइस हम लोग परचेस नहीं कर सकते हैं। एक मिनट गाइस हम लोग देखते हैं पहले डिफेंस का यहाँ पर प्राइस। तो डिफेंस का गाइस जो प्राइस है वो है गाइस 14 मिलियन, अभी हम लोग इसे परचेस नहीं कर सकते हैं। तो एक काम करेंगे गाइस, हम लोग यहाँ से रेड मेडल से जो हमें एलेक्जर मिलता है वहाँ से हम लोग यार 25 लाख एलेक्जर मतलब गोल्ड लेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग इस डिफेंस को परचेस कर लेंगे। बट उससे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर देखो टनल 15 के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अनलॉक हो जाएंगे, जहाँ पे गाइस हम लोग बैरिस को अपग्रेड कर सकते हैं 16 दिन के बाद। ये जो हमारा न्यू ट्रूप है इलेक्ट्रो टाइटन, ये भी यहाँ पर अनलॉक हो जाएगा, जिसका प्राइस है 15 मिलियन एलेक्जर। ये हम लोग गाइस अभी नहीं लगा सकते, बट हाँ जल्द से जल्द लगाएंगे। एंड इसे चाहिए यार डोनेट, तो चलो हम लोग यहाँ पर बैटल ब्रिम जो डोनेट कर देते हैं। उसके बाद यार और भी चीज़ें हैं, चलो मैं आप लोगों को एक एक करके दिखाता हूँ। और अभी गाइस हम लोग यहाँ पर वार्डन को भी अपग्रेड पर लगा सकते हैं, बट अभी हम लोग वार्डन को नहीं लगाएंगे। अभी गाइस हम लोग यहाँ पर अपना न्यू डिफेंस परचेस करेंगे, जो कि गाइस हमारा स्पिल टावर। तो यार उसको परचेस करने के लिए हमें यहाँ पर जो है वो गोल्ड लेना पड़ेगा रेड मेडल से, जो कि गाइस यहाँ पर हमें रेड मेडल्स के थ्रू यहाँ पर गोल्ड मिल रहा है। 300 रेड मेडल से हम लोग यहाँ पर 25 लाख गोल्ड ले सकते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ से गोल्ड जो वो ले लिया है। अभी गाइस हम लोग यहाँ से देखो 14 मिलियन हो चुका है, अब हम लोग यार नील डिफेंस को परचेस कर सकते हैं, जो कि गाइस हमारा स्पिल टावर। एंड 14 दिन के बाद ये अपग्रेड होने वाला है भाई, सच में बहुत ज्यादा समय ले रहा है भाई ये अपग्रेड होने में। तो चलो गाइस यहाँ पर हम लोग इसे परचेस कर लेते हैं। एंड
टू एंड वन एंड बूम गाइज, देखो हम लोगों ने इसे परचेस कर लिया है 14 दिन के बाद गाइज ये यहाँ पर अपग्रेड होगा। एंड इसमें गाइज हम लोग यहाँ पर बुक ऑफ बिल्डिंग जो बुक ऑफ बिल्डिंग यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते हैं, हमारे पास बुक ऑफ बिल्डिंग है गाइज, हमारे पास बुक ऑफ बिल्डिंग तो है ही नहीं, हमारे पास है बुक ऑफ फाइटिंग। बुक ऑफ बिल्डिंग रहता तो हम लोग इसमें इंस्टेंट फिनिश कर देते हैं, बट कोई बात नहीं, 14 दिन के बाद ये ऐसे भी अपग्रेड हो जाएगा। एंड 13 घंटे के बाद हमें एक और बिल्डर मिलेगा जिससे गाइज हम लोग और भी चीज़ों को अपग्रेड पर लगाएंगे। टाउन हॉल 15 अपग्रेड कर दिया और उसके साथ साथ क्या क्या हमें टाउन हॉल 15 के ऊपर मिलने वाला है बिल्कुल से फ्री में, वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। बस एक सीनरी मिलेगा वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, कैसा सीनरी आप लोगों को देखने को भी मिल रहा है, और शॉप के अंदर भी कई कई नए नए चीजें हमें देखने को मिला है, आप लोगों ने देख लिया। तो यार यही था हमारा आज का वीडियो, एंड अभी हम लोग गाइस इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। अगर गाइस हम लोग यहाँ से रेड मेटल से एलिक्सर लें 25 लाख, तो उससे गाइस हम लोग यहाँ पर बैरस को अपग्रेड पर नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि अगर उसको लेंगे अभी तब भी यार ए हमें 14 मिलियन ही होगा, 15 मिलियन चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। और हम लोग गाइस यहाँ पर रिसर्च को तो लगा सकते हैं, हाँ गाइस अगर हम लोग वहाँ से रेड मेटल से एलिक्सर लें तो हम इसे अपग्रेड पर लगा सकते हैं, बट हम लोग लगाएंगे 13 घंटे के बाद, क्योंकि गाइस हमारे पास बिल्डर फ्री बिल्कुल से भी नहीं है। तो देखो यार यहाँ पर 4 न्यू पेट्स आए हैं हमारे गेम के अंदर, पेट्स का भी मैं आप लोगों को इमेज यहाँ पर आप लोग देख लो, इमेज तो गाइस आप लोगों ने देख लिया होगा, टोटल 8 पेट्स यार हमारे गेम के अंदर हो चुके हैं। और देखो गाइस यार ये रहा हमारा नया पेट्स जिसका नाम है फ्रॉस्टी, और उसके बाद है हमारा डिगी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा, उसके बाद यार पॉइजन लिजार्ड, और उसके बाद है गाइस हमारा फ्योनिक्स, ये भी ये सारे पेट्स भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। आप लोग गाइस यार इन गेम जाओ, टाउन हॉल 15 अपग्रेड करो और उसके बाद यार मजे लो। तो गाइस यार यही था हमारा आज का वीडियो, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वाले वीडियो में।